आज जो है हम क्वेश्चन को क्लास 10 मैथ ग्राफीय विधि से क्या कर रहे हैं उसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हर एग्ज़ाम में 5 नंबर क्वेश्चन आता है। हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग बार एग्ज़ाम होता है तब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको कंप्लीट करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो दिया हुआ है ग्राफीय विधि से हल। इसको क्या करना है, समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में भी आपका ऐसे 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करें या आलेखीय विधि से हल करें। ठीक है, दोनों में से कोई क्वेश्चन भी रह सकता है, तो दोनों सेम ही हल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से एक क्या कहता है, देखो तुम 2x प्लस बाई -6 बराबर 0 है कि नहीं। अब बताओ इसमें x का मान निकालते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 6, इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, ये माइनस में प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा कितना बता दो, 6 माइनस बाई बट्टा इधर गुना में है तो 2 आएगा भागा में। अब बताओ यहाँ पर अपना हिसाब से जो है बाई का मान ऐसा रखना है कि पूरा कट जाए, तो क्या रख सकते हैं बताओ। अगर 0 भी रखेंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर 0 आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 0 अगर आ जाता है तो क्या है, बहुत क्या है, अच्छा है। देखो हल करते हैं, जब हम y का मान 0 ले लेते हैं तो बताओ x का मान कितना आएगा, 6 माइनस 0 बटा 2 यानी 6 बटा 2 आएगा। हल करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। एक मान और रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक मान इसमें और रखा जाता है, रख दो। जब y बराबर क्या रखते हैं बताओ, 6 यहाँ रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं यहाँ पर, तो 6 में 6 कट गया तो 0 आएगा, 0 में से क्या 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया तो बहुत अच्छा है, समीकरण जो है ग्राफ जो है बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो 6 रखते हैं तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 बटा 2 यानी 0 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका हम डायग्राम बनाएंगे कि भाई हम क्या रखिए, एक्स वाई का मान, जब वाई का मान जब 0 रखिए तो एक्स का मान आया 3, जब वाई का मान 6 रखिए तो एक्स का मान आया 0 आया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, कैसे चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी हल कर लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण किससे, समीकरण 2 से। अब बताओ समीकरण 2 क्या कहता है, देखो तो 4x क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। हमको 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये भी माइनस में इधर आएगा प्लस में 2y। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2y बट्टा 4 हो जाएगा, क्यों इधर गुना में आएगा कुछ में भागा में। अब बताओ जब y बराबर क्या मान रखिए कि पूरा कट जाए, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 0, क्या करते हैं 0 0 रखेंगे तो बताओ x का मान कितना आएगा, 4 प्लस 2 गुना 0 बट्टा 4। तो हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो 4 0 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 4 बट्टा, नीचे भी 4 बचेगा, कटेगा तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। एक और मान रख दो, जब y बराबर क्या रख दें, y बराबर रखेंगे अगर मान यहाँ पर y बराबर क्या रखते पूरा कट जाएगा, अगर यहाँ पर अगर माइनस 2 रखते हैं तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 रख देते हैं। ठीक है, तो बताओ माइनस 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 4 x का मान जो हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2 बट्टा 4। इसको हल करेंगे तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 बट्टा 4, इतना में भागा देंगे, सॉरी देखो एक मान तो हम रखिए दिए थे 0 रख दिए थे 0 यहाँ पर, अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा बताओ, 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0 रखने के बाद यहाँ हो जाएगा 0, 4 बटा 4 यानी 1 आएगा। और अगर यदि जो है हम मान अगर रख दें माइनस 2 रखेंगे यहाँ पर, माइनस 2 रखेंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस 2 रखेंगे
तो आएगा माइनस चार, माइनस चार प्लस चार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो माइनस दो रखे तो माइनस चार प्लस माइनस चार हो गया, घट के आएगा जीरो बट्टा चार, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आप डायग्राम लिख लो, ये आएगा एक्स वाई का होगा, ठीक है। जब हम वाई का मान जीरो रखे तो एक्स का मान आया एक, जब वाई का मान माइनस दो रखे तो एक्स का मान देखो, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया जीरो। ये हम बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद बनाने के बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। बहुत ही आसान तरीका से बनता है ग्राफ, बना के देखते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ग्राफ। सबसे पहले माइनस का जो है मेरा टर्म जो है दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दो तक दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। छः दिया हुआ है, ये माइनस का टर्म बहुत ही कम दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तक ले सकते हैं हम, ठीक है। दो तक हम कंप्लीट कर सकते हैं, बताओ कैसे कंप्लीट करेंगे जी। यहाँ से हम खाँचेंगे, देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर लेंगे, बताओ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसका बताओ, इसका नियामक होता है, ये मूल बिंदु होता है, इसका नियामक होता है जीरो जीरो, कितना होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये प्लस में एक्स अक्ष है, यहाँ पर प्लस में वाई अक्ष है, प्लस वाई अक्ष है, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स अक्ष, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई अक्ष, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए, अब बताओ यहाँ पर देंगे एक, यहाँ पर देंगे दो, यहाँ पर देंगे कितना, तीन देंगे, क्या देंगे, तीन, यहाँ चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी मेरा जो है छः तक दिया हुआ है, तो ज़्यादा छः से कुछ दो चार ले लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ के पास लिए, कहाँ ले लिए, आठ। इधर दोनों होगा माइनस में, ठीक है, इधर में क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, इधरों माइनस में, ठीक है। इसको हल करते हैं, हाँ हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक, यहाँ हो जाएगा माइनस दो, यहाँ हो जाएगा माइनस तीन, माइनस चार तक लेंगे, क्या कि माइनस दो तक दिया हुआ है, तो माइनस चार तक लेंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार तक लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इतना बनाने के लिए सबको आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक बनाने के लिए सबको आना चाहिए। उसके बाद पहला डायग्राम क्या है, देखो पहला डायग्राम है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स बराबर तीन, वाई बराबर जीरो। तो बताओ यहाँ पर एक्स बराबर तीन कहाँ है, एक्स बराबर तीन देखो यहाँ पर है, अब वाई बराबर जीरो यहाँ पर है, जिसको जो है यहाँ पर एक्स बराबर तीन हो जाएगा, वाई बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे एक्स बराबर जीरो है और वाई बराबर कितना है, वाई बराबर दिया हुआ है छः, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर छः, ठीक है। देखो तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर छः, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर छः, छः कहाँ है, यहाँ है, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर छः, जीरो और छः यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, इन चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और एक्यूरेट मिलाएंगे जो सही हो, ठीक है। एक्यूरेट मिलाएंगे, यहाँ से मिला दिए, ठीक है। अब ये मिल गया, इसका नाम क्या है, पहला सेगमेंट का नाम क्या था,
जो यहाँ देखते हैं, यहाँ से नाम क्या था, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स, 2x माइनस वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो था। अब जो है दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा था x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, x बराबर एक वाई बराबर जीरो, ठीक है, x बराबर जीरो एक वाई बराबर जीरो, x बराबर एक यहाँ है वाई बराबर जीरो यहाँ पर होगा, तो x बराबर एक वाई बराबर जीरो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक जीरो हो गया, उसके बाद क्या है, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर माइनस दो, एक्स बराबर जीरो है और वाई बराबर माइनस दो है, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर माइनस दो है यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाओ, मिलाते हैं दोनों को, ठीक है, यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पर कटा है, इसका नाम क्या है, नाम दे देंगे 4x माइनस टू वाई माइनस फोर, 4x माइनस टू वाई, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो दिया हुआ है, ये ना है, हाँ ये है। अब क्या करेंगे बताओ, कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो यहाँ क्या है, x बराबर दो है, एक्स बराबर दो कितना है, एक्स बराबर दो है, अब वाई बराबर क्या है, दो है, तो इसको जो है मेरा आंसर हो जाएगा, हल करके लिख देंगे हम यहाँ पर, एक्स बराबर भी दो और वाई बराबर भी क्या, दो देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जहाँ पर ये दोनों लाइन कटेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कटा, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।